हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि एपीएफसी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव करता है और कितना पावर फैक्टर होना चाहिए। ये दोस्तों एपीएफसी पैनल है, ये एपीएफसी कंट्रोलर है जो कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है। दोस्तों ये पैनल में चार कैपेसिटर है, तो पावर फैक्टर कंट्रोलर अपने आप से कैपेसिटर बैंक को ऑन करता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। दोस्तों अभी सिस्टम का पावर फैक्टर कितना है, 0.89 लैगिंग। पावर फैक्टर अगर 1 हो तो सबसे अच्छा होता है, तो एपीएफसी जो होता है वो पावर फैक्टर को 1 के नियर लाने की कोशिश करता है। दोस्तों कंट्रोलर ने 5 kVAr के कैपेसिटर को ऑन कर दिया है पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। पावर फैक्टर कितना हो गया है, 0.95। कंट्रोलर ने दूसरे कैपेसिटर को भी ऑन कर दिया है और पावर फैक्टर कितना हो गया है, 0.97। दोस्तों कंट्रोलर ने तीसरे कैपेसिटर को भी ऑन कर दिया है और पावर फैक्टर कितना हो गया है, 0.99। तो एपीएफसी ऐसे पावर फैक्टर को मेंटेन करता है।